हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड 7 का प्रैक्टिस सेट 35 देख रहे हैं। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीप्लाई। यहाँ पे मोनोमियल मल्टीप्लाई बाय मोनोमियल, दो मोनोमियल की हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है। मल्टीप्लिकेशन वर्टिकल अरेंजमेंट से कर रहे हैं, तो इनको हमें वर्टिकली एक दूसरे के नीचे राइट करके दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन दे देना है। ओके, वाई मल्टीप्लाई बाय वाई, वाई स्क्वेयर हो जाता है। एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, एक्स स्क्वेयर हो जाता है। 18 मल्टीप्लाई बाय 16, 288 हो जाता है। तो 288 एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, यह आ गया आंसर इन दोनों एक्सप्रेशन की मल्टीप्लिकेशन का। एग्जांपल नंबर सेकेंड है यहाँ पे, इसमें ये देखो ये दोनों मोनोमियल दिए हैं, इनकी भी हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो वर्टिकल अरेंजमेंट से हम इनकी मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं। ओके, अभी देखो यहाँ पे जेड स्क्वेयर वेरिएबल है, यहाँ पे जेड स्क्वेयर नहीं है, तो ये जेड स्क्वेयर एज इट इज आएगा। ओके, यहाँ पे वाई है, वाई मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वेयर, वाई क्यूब आएगा। और यहाँ पे एक्स एज इट इज है, इसके साथ एक्स नहीं है, तो ये एक्स एज इट इज, एक्स वाई क्यूब जेड क्यूब आ गया इन वेरिएबल की मल्टीप्लीकेशन। अभी 23 मल्टीप्लाई बाय 4, 23 फोर जार 92। ओके, तो 92 एक्स वाई क्यूब जेड स्क्वेयर, यह आ गया आंसर इन दी गई दोनों भी मोनोमियल की मल्टीप्लिकेशन का। थर्ड नंबर एग्जांपल में ये दोनों एक्सप्रेशन दिए हैं, ये बायनोमियल है, ये मोनोमियल है, दोनों की हमें मल्टीप्लिकेशन कर लेनी है। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन है उसको राइट कर लिया, दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन, और सेकेंड एक्सप्रेशन राइट कर लिया। अभी हम 4c की मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के साथ भी करेंगे। पहले 4c मल्टीप्लाई बाय 7 भी करेंगे, 4c मल्टीप्लाई बाय 12 a करेंगे, करेक्ट। अभी देखो 68 हो गए, तो यहाँ पे 68 आएगा और c मल्टीप्लाई बाय b, 20c आएगा। मल्टीप्लीकेशन में दोनों भी सेम साइन है, तो इस आंसर को भी प्लस साइन आएगा। अभी c मल्टीप्लाई बाय a, ac आएगा, और 12 मल्टीप्लाई बाय 4, 48, तो यहाँ पे 48 ac प्लस 68 BC आ गया आंसर इन दोनों एक्सप्रेशन की मल्टीप्लिकेशन का। एग्जांपल नंबर 4 में यहाँ पे ये दोनों भी बायनोमियल दिए गए हैं, उनकी हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन राइट कर लिया, मल्टीप्लाई बाय सेकेंड एक्सप्रेशन। अभी हम क्या करेंगे, सेकेंड एक्सप्रेशन में जो 7y ये टर्म जो है, इसकी मल्टीप्लिकेशन पहले 5y के साथ, बाद में इसकी मल्टीप्लिकेशन इस 4x के साथ करेंगे। ओके, तो देखो y मल्टीप्लाई बाय वाई, वाई स्क्वेयर हो जाता है, करेक्ट। उसके बाद 7 मल्टीप्लाई बाय 5, 7 फाइव जार 35, 35 वाई स्क्वेयर ये टर्म आ गई, करेक्ट। अभी हम 7y की मल्टीप्लिकेशन इस 4x के साथ करेंगे। जैसे हम टू प्लेसेस ये रहती है, पहले हम यूनिट प्लेस की मल्टीप्लिकेशन सबके साथ कर लेते हैं, बाद में 10 प्लेस की मल्टीप्लिकेशन इन सब के साथ कर लेते हैं, वैसे ही यहाँ पे 7y की मल्टीप्लिकेशन पहले 5y के साथ, बाद में 4x के साथ प्लस साइन देकर, बाद में 9x मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के साथ करेंगे, करेक्ट। ओके, अभी देखो इनकी मल्टीप्लिकेशन हो गई, अभी हम इनकी मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। y मल्टीप्लाई बाय x, x y आ गया, करेक्ट। दोनों भी प्लस साइन है, आंसर को भी प्लस साइन आने वाला है। यहाँ पे दोनों भी प्लस साइन थे, आंसर को प्लस साइन आ गया, क्योंकि प्लस 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 ही होता है। 7 मल्टीप्लाई बाय 4, 28 एक्स वाई आ गया। अभी देखो, अभी हम 9x की मल्टीप्लिकेशन 5y के साथ करने वाले हैं। तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन में देखो x एंड y वेरिएबल है, इनके आंसर को भी x y वेरिएबल आएगा, तो इनका आंसर हम इनके नीचे लिखेंगे, क्योंकि ये भी क्या है, x y वेरिएबल टर्म है। x मल्टीप्लाई बाय वाई, एक्स वाई आ गया, ओके 45 आ गया। ओके, बी 9x मल्टीप्लाई बाय 4x करेंगे हम, x मल्टीप्लाई बाय x, x स्क्वेयर आ गया, और 9 फोर जार 36, 36 एक्स स्क्वेयर आ गया। और इस 45 को ये इनकी मल्टीप्लिकेशन की, दोनों भी प्लस साइन है, 45 को प्लस साइन, यहाँ पे भी इनकी मल्टीप्लिकेशन भी, दोनों भी प्लस साइन है, तो इसको भी प्लस साइन आ गया। अभी हम इनके कर लेते हैं एडिशन, करेक्ट। अभी देखो ये एज इट इज आएगा, 35 वाई स्क्वेयर एज इट इज आएगा, प्लस साइन है, उसका साइन भी एज इट इज आएगा, प्लस 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 ही होता है, एक्स वाई वेरिएबल है, एक्स वाई आएगा, 13 हो गए,
13 का 3 यहाँ पे कैरी 1, 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7, 73 आ गया, प्लस साइन आएगा क्योंकि दोनों भी प्लस में ही है। 36 एक्स स्क्वायर एज इट इज आएगा, 36 एक्स स्क्वायर, ये आ गया आंसर इन दी गई दोनों एक्सप्रेशन की मल्टीप्लिकेशन का। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ रेक्टेंगल इज 8x प्लस 5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 5x प्लस 3 सेंटीमीटर ब्रॉड, फाइंड इट्स एरिया। तो देखो हमें एरिया रेक्टेंगल की निकालनी है, तो रेक्टेंगल की एरिया निकालने का फॉर्मूला हमें मालूम होना चाहिए। तो पहले मैं फॉर्मूला लिख लेती हूँ, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। ओके, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ। अभी देखो लेंथ मीन्स कितनी लॉन्ग है और ब्रेथ मीन्स कितनी ब्रॉड है, तो लेंथ एंड ब्रेथ दी गई है, ये दोनों भी वैल्यूज हम लेंथ और ब्रेथ की जगह पुट कर लेते हैं। तो देखो 8x प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 5x प्लस 3, ओके इनके हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन। तो इसको सपोज पहला एक्सप्रेशन समझो, इसको दूसरा एक्सप्रेशन समझो, दोनों भी बायनोमियल है, इनके हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो बायनोमियल की मल्टीप्लिकेशन हमने सीखी है, तो इनकी हम वर्टिकली मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, इनको वर्टिकली राइट करना होगा, करेक्ट। तो यहाँ पे हम फिर से वर्टिकली ऐसे राइट कर लेते हैं, 8x प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 5x प्लस 3, ओके। पहले हम 3 की मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के साथ करेंगे, 3 5000 15, 3 मल्टीप्लाई बाय 8x, x वेरिएबल है, x वेरिएबल आएगा, ये दोनों भी प्लस साइन है, इनको प्लस साइन आएगा, यहाँ पे इनका वेरिएबल x है, x को लिखा, 8 3 जार 24, तो यहाँ पे 24x ये आंसर आएगा, यहाँ पे हम प्लस साइन देंगे। अभी देखो 5x मल्टीप्लाई बाय 5, दोनों का वेरिएबल x है, तो यहाँ पे x वेरिएबल आएगा, 5 5 जार 25, तो यहाँ पे 25 आ गया। अभी हम इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, दोनों भी प्लस साइन है, दोनों के साथ x वेरिएबल है, x मल्टीप्लाई बाय x, x स्क्वायर आएगा, ओके 8 5000, तो यहाँ पे 40 एक्स स्क्वायर आ गया। अभी हम इनकी कर लेते हैं एडिशन, 15 एज इट इज आएगा, प्लस साइन, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, प्लस 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 ही हो जाएगा, इनकी हो जाएगी एडिशन, 24 प्लस 25 49 आ गए, और एक्स वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल आएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वेरिएबल है, एक्स स्क्वायर वेरिएबल आएगा, यहाँ पे प्लस साइन आएगा, और ये 40 एज इट इज, कोई टर्म नहीं है, तो ये टर्म एज इट इज मीन्स 40 एक्स स्क्वायर प्लस 49x प्लस 15, ये आ गया आंसर इन दी गई दोनों भी बाइनोमियल की मल्टीप्लिकेशन का। यूनिट आएगा स्क्वायर सेंटीमीटर, और इस स्क्वायर सेंटीमीटर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये लेंथ जो है ये सेंटीमीटर में दी गई है, ब्रेथ भी सेंटीमीटर में दी गई है, दोनों के मल्टीप्लिकेशन मीन्स यूनिट की भी मल्टीप्लिकेशन, सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, और इसको ही हम स्क्वायर सेंटीमीटर ऐसा भी लिख सकते हैं। देयरफॉर एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू 40x स्क्वायर प्लस 49x प्लस 15 स्क्वायर सेंटीमीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग व्हिडिओ। इयत्ता 7वीच्या मराठी सेमी आणि इंग्रजी या माध्यमांच्या सर्व विषयांच्या स्वाध्यायाच्या नवनवीन व्हिडिओसाठी चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा, लाईक करा, कमेंट करा आणि वर्गमित्रांना शेअर करा।